हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश NIOS इंस्टीट्यूट। तो आज मैं फिर से NIOS के बच्चों के लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ कि NIOS के बच्चे अगर प्रमोट हुए तो उनको कितने मार्क्स मिलेंगे, किस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे और कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो सारी चीज़ों की डिस्कशन जो है इस वीडियो में मैं आज करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो देखिए, आप लोग खुद जानते हैं कि अभी तक ऐसा कोई नोटिस 10th और 12th के लिए नहीं आया है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि हैंडीकैप स्टूडेंट्स को जो है मॉडल पेपर दे करके असाइनमेंट देकर उनको प्रमोट किया जा रहा है, कि दो असाइनमेंट दिया गया 40-40 मार्क्स का, वो उन्हें कम्प्लीट के अपने स्टडी सेंटर पे जो है ले जाकर सबमिट करवाना है, देन वो प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन खाली हैंडीकैप के लिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फिलहाल के लिए 10th और 12th के लिए ऐसी कोई नोटिस अभी तक नहीं आई है। जैसी आएगी सहरीश NIOS इंस्टीट्यूट आप तक पहुँचा देगा। तो मतलब जब नोटिस, तो क्या आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल क्या है कि अब इनके पास जो है प्रमोट के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। साल ये बर्बाद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जानते हैं ये लड़ाई झगड़ा और सब आफत मचाएंगे। NIOS के स्टूडेंट्स जो हैं अगेंस्ट हो जाएंगे इनके, और लड़ाई झगड़ा और उल्टी सीधी गाली गलौज चीज़ें होने लगेंगी। तो वो ये लोग मेरे हिसाब से नहीं चाहेंगे कि ये सब सीन हो। इस कोरोना काल में एग्ज़ाम लेना एक तो इम्पॉसिबल है, एग्ज़ाम तो भूल ही जाओ, एग्ज़ाम कैसे होगा, इम्पॉसिबल है। ये खुद भी मैनेज नहीं कर पाएंगे कि एग्ज़ाम कैसे लिया जाए, इतना रिस्क में ऑलरेडी इतने सारे केसेस आ रहे हैं, और अगर इनमें कोरोना एग्ज़ाम के टाइम पे इतने सारे इन्फेक्टेड हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं NIOS के, तो इतने सारे लोग अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर, काफ़ी सारे अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं कोरोना से, तो इनको संभालना ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से एग्ज़ाम लेने का रिस्क नहीं लेंगे, और दूसरा ये साल बर्बाद करेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि सीन होगा, फिर सारे बच्चे अगेंस्ट होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, वो लोग ये लोग चाहेंगे नहीं। ऑप्शन क्या बचता है, प्रमोट ही करना पड़ेगा, ना साल बर्बाद कर सकते हैं ना एग्ज़ाम ले सकते हैं। ऑप्शन यही है कि प्रमोट किया जाएगा। और नोटिस कब तक आता है, हाँ नोट ये है, मैं एग्री करती हूँ कि हाँ नोटिस देने में ये लोग काफ़ी लेट कर रहे हैं, नोटिस अभी तक नहीं दिया गया है। तो एक तरह से क्या है, राहत की बात है कि हाँ भाई चलो रिस्पांस तो मिल रहा है हमें, इतना हमने फोर्स किया, इतना प्रेशर डाला, तब जाके कम से कम हैंडीकैप के लिए कदम तो उठाए इन लोग ने। हैंडीकैप के अगेंस्ट नहीं हो, चलो अच्छा ये वो भी हमारे NIOS के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हैंडीकैप है, उन्हें पास कर दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो चलो अब NIOS के उन बच्चों के लिए अगर लिया गया है, तो अब ये डिसीजन लिया गया है, तो बाकी के स्टूडेंट्स के लिए भी यही डिसीजन लिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके अलावा और मतलब प्रमोट के अलावा इन लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे आप लोग कई काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम अगर प्रमोट हुए तो कितने मार्क्स मिलेंगे, किस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए जब नोटिस आएगा तो उसमें क्लियर बताया जाएगा किस बेसिस पे। अब जैसे हैंडीकैप के स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है वो असाइनमेंट दिया गया है, असाइनमेंट के बेसिस पे जो है उनको वो पास किया जा रहा है कि हाँ भाई 40-40 मार्क्स के दो असाइनमेंट दिए गए हैं, वो उन्हें करके ले जाकर अपने स्टडी सेंटर पर जो है जमा करवाना है। तो एक तरह से देखा जाए ये डिसीजन सही है हैंडीकैप के लिए, कि हाँ भाई चलो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, सही है, अच्छा है, उनको दे दिया गया असाइनमेंट, उन लोगों ने जाके कर दिया, वो भी NIOS के स्टूडेंट्स हैं, बस हैंडीकैप हैं। और उसके बाद आती है 10th और 12th की बात। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से हैंडीकैप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे के पास आउट किया गया है, प्रमोट किया गया, वैसे ही 10th और 12th को भी कर देना चाहिए। क्यों, रीज़न क्या है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्ट के बेसिस पे ये लोग पास करेंगे, प्रमोट किया जाएगा 10th और 12th के बच्चों को, तो जो काफ़ी सारे बच्चे आप लोग खुद भी जानते हैं कि NIOS में काफ़ी सारे बच्चे फेल भी होते हैं हर साल, तो अगर उनके रिज़ल्ट जो उनका फेल वाला है और उसके बेसिस पे पास तो हो नहीं पाएंगे, रिज़ल्ट तो उनका फेल है, प्रमोट कैसे किया जाएगा, फिर वो बच्चों का अटक जाएगा, बीच में दिक्कत फंसेगी, फिर ये होगा कि भाई अब एग्ज़ाम देने का मौका भी नहीं मिला और पुराना रिजल्ट देख के प्रमोट नहीं किया जा रहा है क्योंकि पुराना रिजल्ट तो फेल वाला है। तो ये पुराना रिजल्ट देख करके पास करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, ये वाला डिसीजन ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा है, बस यही डर है एक फिलहाल के लिए। तो यही टेंशन है, देखिए एग्ज़ाम होगा नहीं, प्रमोट ही किया जाएगा, नोटिस भी यही आना है, बस नोटिस में ये चीज़ हमें मेन उस चीज़ का इंतज़ार है कि किस बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर TMA के हिसाब से भी प्रमोट किया जाता है TMA के बेसिस पे, तब भी कोई गलत नहीं है, आराम से प्रमोट हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा से बेस्ट मतलब एक तरह से बेस्ट चीज़ जो है कि अगर असाइनमेंट दे दिया जाए, जैसे हैंडीकैप स्टूडेंट्स को दिया गया, वैसे ही अगर हमें भी दे दिया जाए NIOS के नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो 10th और 12th के हैं उनको दे दिया जाए, तो वो भी अपना करके ले जाकर अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन मैनेज कर लेंगे। अगर आप लोग का स्टडी सेंटर दूर भी है तो एक दिन के लिए मैनेज कर लो भाई, ले जा करके जमा करवा लो, पास है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का पास पास ही होता है, कुछ बच्चों का अगर दूर है स्टडी सेंटर घर के पास नहीं है, तो एक दिन के लिए उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। कम से कम एग्ज़ाम देने से तो बेटर ही है आप लोगों के लिए कि हाँ भाई एक दिन में ले जा करके एक दिन मैनेज कर लीजिए, चले जाइए स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट वगैरह जमा करवा दीजिए, तब जाकर उस बेसिस पे जो है हमें जो है प्रमोट किया जाएगा, हमें मार्क्स मिलेंगे, परसेंटेज मिलेंगे। एक चीज़ और मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, जैसे अगर बाय चांस अगर ऐसा नोटिस निकलता है जैसे हैंडीकैप के
लिए निकला कि हाँ भाई अपना असाइनमेंट कंप्लीट करवा के इतने इतने मार्क्स का होगा, असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना है, तो आप लोग असाइनमेंट बस अच्छा बनाइएगा ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो ये चीज़ आप लोग के हाथ में कि आप लोग को जितना अच्छा असाइनमेंट बना सकते हैं उतना अच्छा बनाइए अच्छे मार्क्स के लिए। इसके अलावा जैसे ही NIOS वालों की तरफ से कोई नोटिस आता है सहरीश NIOS इंस्टीट्यूट आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। उसके लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ साथ आप लोग जहाँ जहाँ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक जहाँ जहाँ आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ भी हैं आप लोग सारे बच्चों को सारे NIOS के स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि उन सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर जो NIOS के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ तो अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गुड न्यूज़ के साथ और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।